लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोंदिया में गाय के साथ अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने, फरार आरोपी हसन खान पुलिस गिरफ्त में। नागपुर तहसील पुलिस ने जब्त किया 75 किलो गोमांस, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में ट्रेन से कटा अपराधी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आरोपी तुषार के खिलाफ चोरी, लूटपाट और डकैती सहित कई गंभीर मामले थे दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। गोंदिया में 29 मई को वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा सूचना दी गई कि जामुल थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड में फिरोज खान नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ किराए के मकान में बीते कुछ सालों से रह रहा था, जिसके घर पर रहने के लिए दिल्ली से हसन खान नाम का व्यक्ति आया था और फेरी में कपड़े बेचता था। हसन खान ने 24 मई की रात को एक गाय के साथ दुष्कर्म किया है और उसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के वायरल होने पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा जामुल थाने का घेराव करते हुए हंगामा किया जा रहा है। नगर निगम अधीक्षक आईपीएस श्री प्रभात कुमार द्वारा आरपीएफ से मदद मांगते हुए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय को सूचना दी गई। दिनांक 29 मई को गाड़ी संख्या 12102 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में दुर्ग से भागकर उक्त आरोपी जा रहा है और उसे किसी भी हाल में पकड़ना है। इसकी सूचना देने के साथ साथ श्री प्रभात कुमार भी स्वयं सड़क मार्ग से गोंदिया के लिए रवाना हुए। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार पोस्ट प्रभारी गोंदिया द्वारा टीम बनाकर उक्त गाड़ी को अच्छे से चेक करने हेतु आदेश की दिया गया। इसी क्रम में सोमवार 4 बजे गोंदिया स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने के उपरांत तत्काल कार्यवाही करते हुए आरपीएफ उप निरीक्षक CKP टेम्भुर्णिकर, SC राजेश कुमार, CT विवेक कनौजिया, CT विजय विठोले, CT TNS चौहान, SC SK निवारे, CT रविंद्र सावरकर द्वारा गाड़ी के सभी डिब्बों को एक साथ चेक करते हुए सामने के जनरल कोच से उक्त आरोपी को हुलिया एवं पोस्ट प्रभारी द्वारा शेयर की गई फोटो के आधार पर पकड़कर उतारा गया व आरपीएफ पोस्ट गोंदिया लाया गया, जिन्होंने पुष्टि करने के उपरांत उक्त दुष्कर्म करने वाले आरोपी नाम हसन खान को आरपीएफ से अपने कब्जे में लिया और अपने साथ लेकर दुर्ग के लिए रवाना हुए। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग सहित उक्त पुलिस बल ने मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय व आरपीएफ गोंदिया की टीम की सराहना की और आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया। नागपुर तहसील पुलिस स्टेशन पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि सैफी नगर स्थित अशफाक टेलर के घर के पास मोमिनपुरा स्थित जावेद मटन शॉप और नावेद मटन शॉप में प्रतिबंधित गोमांस बेचा जा रहा। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो कुल 32,800 रुपये मूल्य का गोमांस और अन्य सामग्री मिली, जिसके बाद उन चीज़ों को जब्त किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। तहसील पुलिस स्टेशन के DB के अधिकारी और स्टाफ को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि सैफी नगर मोमिनपुरा यहाँ पे 2 दुकान है, मटन शॉप जावेद मटन शॉप और नवेद मटन शॉप, यहाँ पे अवैध तरीके से गोमांस की बिक्री हो रही है। ये माहिती की जांच करने के लिए DB के अधिकारी और अमलदार वहाँ पे गए। वहाँ पे जावेद कुरैशी और नवेद कुरैशी, ये दोनों के दुकान में एक सस्पेक्टेड मांस मिला था, वो गोमांस ही था। दोनों दुकान से अंदाजन एक 32,000 का गोमांस, 75 kg जो रिकवरी हुआ है वो जब्त करके जावेद कुरैशी और नवेद कुरैशी दोनों को और उनके यहाँ काम करने वाले आरोपी, ऐसे 4 आरोपी बनाया गया है। आरोपी अभी हमारे लॉकअप में है। आगे की जांच PSI भवर कर रहे हैं। आज उनका PCR भी मिला है। आरोपियों ने कहाँ से गोमांस लाया था, नहीं तो कहाँ से गाय खरीदी थी, ये अभी जांच कर रहा है। 4 आरोपी तहसील पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है और जो भी एरिया में
ऐसे अवैध तरीके से गोमांस को बिक्री करके उनके ऊपर आगे ऐसी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। सदर कार्रवाई के लिए हमें नागपुर शहर पुलिस प्रमुख माननीय अमितेश कुमार सर, पुलिस आयुक्त सर, माननीय जॉइंट सिटी श्रीमती दोर्जे मैडम, माननीय संजय पटेल सर एडिशनल सिटी नागपुर क्राइम ब्रांच, माननीय गौरव भांबे सर हमारे डीसीपी झोंती सर और माननीय एसीपी सुरवे सर, सबका मार्गदर्शन मिला और तहसील ने बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट। पांचपावली पुलिस थाना क्षेत्र में एक अपराधी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। कुछ लोगों से दुश्मनी होने के कारण परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता देते हैं कि मृतक लाल दरवाजा निवासी तुषार उर्फ लादेन महेंद्र भामोले बताया जा रहा। लादेन के खिलाफ चोरी, मारपीट, लूटपाट और डकैती की तैयारी सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। कई लोगों के साथ उसकी दुश्मनी भी चल रही थी। रविवार रात 12:30 बजे के दौरान वह अपने घर के पास से गुजरने वाली ट्रेन लाइन पर आ गया। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। तब तक लादेन के परिजन और परिसर के नागरिक भी जमा हो गए थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल नागपुर हैज बीन ड्रीमिंग विद एस्पिरेशन सिंस इट्स इंसेप्शन एंड वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड विद अ बिग बैंग इन आवर वेंचर्स। आवर स्कूल हैज ऑल द एमिनिटीज फॉर स्पोर्ट्स, लेबोरेटरी फॉर लैंग्वेजेस, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edlivar provides you best teaching methods. IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. गंजेपन। गंजेपन एक समस्या, क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच शॉप नंबर 114 सदोदय प्लाजा नियर पोदरेश्वर राम मंदिर सीए रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा लंबे समय बाद सही अब अवैध निर्माण के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त है। वास्तव में प्रन्यास लगातार अवैध और अनधिकृत निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा। गत एक सप्ताह से लगातार कार्रवाई जारी है। इस श्रृंखला में सोमवार को प्रन्यास ने पश्चिम विभाग कार्यालय क्षेत्र में आने वाले पारसोड़ी में कार्रवाई की। जैसे ही दस्ता पारसोड़ी स्थित द्रोणाचार्य नगर पहुंचा, लोगों में खलबली मच गई। उल्लेखनीय है कि यहां अवैध निर्माण किए जाने के कारण पूरी सड़क ही गली में तब्दील हो चुकी थी। इसी वजह से लोगों को आना जाना दुर्गम हो रहा था। इसी के चलते दस्ता पहुंचा और अतिक्रमण कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि द्रोणाचार्य नगर में दो संपत्ति धारकों ने तो मकान के सामने 7 से 8 फुट तक जगह घेर ली थी। यहां तक कि बिजली विभाग का खंभा भी अपने आवास की सुरक्षा दीवार के भीतर कर लिया था। अवैध निर्माण को लेकर जोनल कार्यालय ने नोटिस जारी किया था, किंतु संपत्ति धारकों ने इसे हमेशा की तरह नज़रअंदाज किया। इसके बाद सोमवार को दस्ता पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के साथ कार्यवाही के लिए पहुंचा। संपत्ति धारकों को किसी तरह की कोई भी राहत दिए बिना अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। कार्यवाही में प्रन्यास सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में अविनाश कातड़े, संदीप राउत, मनोहर पाटिल आदि ने हिस्सा लिया। महाराज टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। स्टेशन के पश्चिम भाग में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसमें मुंबई छोर पर आरपीएफ थाने के पास एक अतिरिक्त निकासी द्वार दोबारा शुरू कर दिया गया। वहीं दुपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए गार्डन की बगल वाली बंद सड़क की जगह भी तय कर ली गई, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने लगे यूवीएस ने सिरदर्द बढ़ा दिए है। नई पार्किंग व्यवस्था के मद्देनजर इसे तोड़कर सड़क को सपोर्ट करना जरूरी है। हालांकि पिछले 5 दिनों से जारी ड्रिलिंग के बाद भी इसे पूरी तरह खुदा नहीं जा सकता है। कपिलनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किया। महिला बाल बाल बच गई, लेकिन आरोपियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने माड़ा कॉलोनी निवासी शबनम पारवीन तौसीफ खान की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में साहिल शेंडे और अक्स बदला हुआ नाम का समावेश है। शबनम के पति तौसीफ ट्रक चलाकर अपने परिवार का उदर निर्वाह करते हैं। छोटी बेटी तानिया और हसनैन उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन बड़ी बेटी अपने मामा के पास महाड़ कॉलोनी में रहती है। उसकी मैक्स के साथ दोस्ती थी। परिजनों के समझाने पर 6 महीने पहले बेटी ने मैक्स से बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद भी मैक्स उसे परेशान कर रहा था। शनिवार की रात 9 बजे के दौरान शबनम और तौसीफ समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मैक्स और साहिल उनके घर में घुसे, तौसीफ को जान से मारने की धमकी दी। शबनम ने पति को कमरे में बंद कर लिया। तभी साहिल ने शबनम पर चाकू से वार किया। यह वार मैक्स ने अपने हाथों से रोका और जख्मी हो गया। दोनों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वन औषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वस्तरीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतवरी फार्मेसी, धूत पापेश्वर, बैद्यनाथ सांडू, व्यास पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर चिरायु, मधु डायबिटीज, चूर्ण हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने महाजन मार्केट के पास टेंपल बाजार रोड सीताबर्डी नागपुर। नमस्कार, मैं शबाना मोटलानी और मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र टीवी 24 पर मेकअप के नए नए लुक्स लेके, जहाँ मैं आपको बताऊंगी मेकअप की नई नई टेक्निक और प्रोडक्ट के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, मेकअप से जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन। तो देखना ना भूले रविवार और गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।